चलो गाइस अभी ट्रेन से जाएंगे सिक्किम। क्यों पता है? क्योंकि बाइक क्योंकि रात में बाइक चलाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हम जा रहे हैं ट्रेन में, रेस्ट करेंगे और वहाँ पे पहुँचेंगे, दिन भर घूमेंगे और शाम को फिर से एक ट्रेन से रिटर्न आ जाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 7 o'clock और हम पहुँचे समवेयर इन वेस्ट बंगाल। काफ़ी मस्त लग रहा है। Unlike the other 7 states in Northeast which share the continuous border, Sikkim is some distance away. Therefore, it is called as only brother among 7 sisters. So, इसलिए हम 7 sister के बाद में घूमने जा रहे हैं Sikkim. Guys, अभी हम पहुँचे न्यू जलपाईगुड़ी में। 1.5 घंटे से लेट चल रहा था। अभी गैंगटॉक जाने के लिए 4-5 घंटे लगेगा, आने के लिए 4-5 घंटा। सो देखते हैं कैसे होता है आज का प्लान। से हम जाएंगे दार्जिलिंग, क्योंकि गैंगटॉक के लिए आज के दिन जाके रिटर्न आना पॉसिबल नहीं होगा। सो गैंगटॉक के लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम जा रहे हैं दार्जिलिंग। द ओनली ब्रदर अमॉन्ग 7 सिस्टर्स, पता नहीं कब देख पाएंगे, ज़रूर देखेंगे और उसका वीडियो भी चैनल पर आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो अभी के लिए देखते हैं दार्जिलिंग, क्या बोलते हो? हमें हो रहा है लगभग 1.5 घंटा और यहाँ पे अभी 10 मिनट का ब्रेक लिया है। ये अपना गाड़ी है, एक रोहिणी बोल के एक गांव आता है वहाँ पे विलेज, वहाँ से पूरा पहाड़ जो है चालू होता है यहाँ। सो अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे। मस्त वेदर हुआ है, यहाँ पे बारिश चालू हुआ है हल्का हल्का, बट इतना सही है, इससे ज़्यादा अगर बारिश होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा आगे। और फाइनली हम पहुंच गए दार्जिलिंग में। जैसे ही एंट्री करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमें दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन का स्टेशन देखने के लिए मिल जाता है। भाई चौरास्ता जाने के लिए इधर से। वन डे ट्रिप होने की वजह से टॉय ट्रेन तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, बट यहाँ का जो फेमस चौक है वहाँ पे हम टाइम स्पेंड करेंगे। दार्जिलिंग के बारे में दिलचस्प तथ्य, इस जगह को दुनिया भर से पर्यटकों के बीच और अधिक पसंदीदा और लोकप्रिय बनाता है। चारों ओर हरियाली से सुशोभित चाय के बगीचों का विस्तार और शक्तिशाली कंचनजंगा के साथ धुंध भरा ठंडा और शांत वातावरण दार्जिलिंग को एक अनोखा पर्यटन स्थल बनाता है। यू विल बी एबल टू सी कंचनजंगा माउंटेन फ्रॉम मेनी प्लेसेस इन दार्जिलिंग, बट द बेस्ट व्यू ऑफ इट यू विल गेट फ्रॉम द टाइगर हिल, जो कि हम नहीं जा पाए वहाँ पे, हमें पता नहीं था इसलिए, बट इट्स अ ब्यूटिफुल व्यू, मस्ट सी इट। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये जो चौरास्ता है मॉल रोड, यहाँ पे आप बाइक चला के लेके नहीं आ सकते, मतलब यहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है। अगर आप गलती से लेके आते हो तो आपको यहाँ से बाइक धक्का मार के लेके जाना पड़ता है। दार्जिलिंग का प्रसिद्ध चौरास्ता मॉल सिर्फ एक शॉपिंग डेस्टिनेशन से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत वर्तमान से मिलता है। इसका नाम चार सड़क जंक्शन के लिए हिंदी शब्द से लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे केवल मॉल कहते हैं और मॉल रोड से ये जाना जाता है। इन रास्तों पर चलते हुए सभी दृश्यों और ध्वनियों का आनंद लेते हुए एक दिन बिताने लायक है, जो आपको यह एहसास कराता है कि आप दार्जिलिंग में हो। मॉल रोड और चौरस्ता, यह वह जगह है जहां आपको चाय, कपड़े, कला, शिल्प, उपहार और स्मारिका वस्तुएं बेचने वाली कई छोटी दुकानें मिलेंगी, जहाँ एक तरफ कुछ सबसे पुराने विरासत भंडार पंक्तिबद्ध है,
वही दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार पेड़ों का खुला दृश्य है। शॉप का नाम क्या है ये? जैसे अंदर आए तो काफ़ी अच्छा वाइब लगा यहाँ पे, मस्त। और इतने सारे मतलब आर्ट्स है, बहुत सारे अलग अलग। चलो अभी ठंड लग रहा है ना बेकार यहाँ पे, आपने पुणे में तो गर्मी होगा इस समय। यहाँ पे आपको ठंड ज़्यादा होने की वजह से उलन के हैंडमेड कैप्स वगैरह बनाए हुए मिल जाएंगे। खरीदारी के एक थके हुए दिन के बाद रुके और कई फेरी वाले की शैली की दुकानों पर स्ट्रीट फूड का आप आनंद ले सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने देखा वॉच टावर, वहाँ पे काफ़ी देर मैंने टाइम स्पेंड किया। जैसे ही शाम होने लगती है दार्जिलिंग और ज़्यादा खूबसूरत होने लगता है। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और हम निकल रहे हैं दार्जिलिंग से। सो लेट्स गो। आज दिन भर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया दार्जिलिंग में। सो अगर आप इवनिंग का टाइम यहाँ पे स्पेंड करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, मतलब बात करने का उनका जो तरीका है, मतलब यू विल लव इट। बहुत ही काइंड और वेलकमिंग के नेचर के। हेलो गाइस, अभी जो है टाइम हो रहा है 9:30 और हम पहुंच गए हैं न्यू जलपाईगुड़ी में। यहाँ पे जो है खाना खा रहे हैं, होटल का नाम है कल्पना। सो अभी अंदर जाके देखते हैं कि कौन सा ट्रेन अवेलेबल है गुवाहाटी के लिए। रिजर्वेशन जो टिकट कंफर्म नहीं होता। रेलवे स्टेशन काफ़ी अच्छा बनाया है, सिलीगुड़ी का है, बट वहाँ पे जो ट्रेन है कम आती है कंपेयर टू न्यू जलपाईगुड़ी पे। 10:30 ट्रेन है। और हमारा जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस है वो निकला है। सो गाइज, ये था अपना छोटा सा दार्जिलिंग का वन डे का वीडियो। दार्जिलिंग में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है, सो मेक श्योर बहुत सारा टाइम लेके आए दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए। वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।